विधानसभा कटोरिया। बिहार की कटोरिया विधानसभा सीट बांका जिले में आती है। कटोरिया सीट अभी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। यहां की जनता ने कांग्रेस, बीजेपी और आरजेडी तीनों ही पार्टियों को जिताकर बारी बारी से विधानसभा भेजा है। बता दें कि सीट 1951 से अस्तित्व में है। 1951 में सीट पर पहली बार हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। पीरो मांझी ने कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। 1957 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर राघवेंद्र नारायण सिंह ने कटोरिया से जीत हासिल की थी। 1962 के विधानसभा चुनाव में कटोरिया सीट से स्वतंत्र पार्टी से कंपा मुर्मू ने आम जनता का भरोसा जीतने में सफलता हासिल की थी। 1967 में कटोरिया सीट से स्वतंत्र पार्टी से कंपा मुर्मू ने जीत हासिल की थी। वहीं 1972 के चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट जयप्रकाश सिंह ने कटोरिया सीट पर जीत का परचम लहराया था। तो 1977 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी के कैंडिडेट गुणेश्वर प्रसाद सिंह ने कटोरिया सीट पर जीत हासिल की थी। 1980 के विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कैंडिडेट सुरेश प्रसाद यादव ने जीत का परचम लहराया था। वहीं 1985 के चुनाव में सुरेश प्रसाद यादव ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। तो 1990 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस कैंडिडेट सुरेश प्रताप यादव ने यहां पर अपनी जीत पर करार रखी थी। 1995 के विधानसभा चुनाव में जनता दल के कैंडिडेट गिरधारी यादव ने कटोरिया सीट पर जीत का परचम लहरा दिया था। वहीं 2000 के विधानसभा चुनाव में गिरधारी यादव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर जीत हासिल कर चुके थे। वहीं 2005 के चुनाव में कटोरिया सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट पप्पू यादव ने जीत हासिल की। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में कटोरिया सीट से पहली बार बीजेपी के कैंडिडेट सोनेलाल हेब्रम ने जीत हासिल की। तो 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के कैंडिडेट स्वीटी सीमा हेब्रम ने जीत का परचम लहराया था। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में कटोरिया सीट पर आरजेडी की स्वीटी सीमा हेब्रम ने जीत हासिल की थी। स्वीटी सीमा हेब्रम को 54,760 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी कैंडिडेट निक्की हेब्रम ने 44,423 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रही थी। इस तरह आरजेडी कैंडिडेट स्वीटी सीमा हेब्रम ने बीजेपी कैंडिडेट निक्की हेब्रम को 10,337 वोट के अंतर से हराया था। वहीं जेएमएम कैंडिडेट अंजुला हासंदा को 17,481 वोट मिले थे और इस तरह से वो तीसरे स्थान पर रहे। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2010 के विधानसभा चुनाव में सीट पर बीजेपी कैंडिडेट सोनेलाल हेब्रम ने जीत हासिल की थी। सोनेलाल हेब्रम ने 32,332 वोट हासिल किया था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट सुकलाल बेसरा को 23,569 वोट मिले थे। इस लिहाज से सोनेलाल हेब्रम ने सुकलाल बेसरा को 8,763 वोट से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट सुरेंद्र लाल हेब्रम 10,823 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2005 के विधानसभा चुनाव में सीट पर आरजेडी के राजकिशोर प्रसाद यादव उर्फ पप्पू यादव ने बीजेपी कैंडिडेट मनोज यादव को हराया था। राजकिशोर प्रसाद यादव उर्फ पप्पू यादव ने 38,724 वोट हासिल किया था, जबकि बीजेपी कैंडिडेट मनोज यादव को 38,644 वोट मिले थे। इस तरह से पप्पू यादव ने मनोज यादव को महज 80 वोट के मार्जिन से हरा दिया था। वहीं लोजपा कैंडिडेट सत्यनारायण यादव ने 10,024 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां एनडीए और महागठबंधन के बीच टक्कर का मुकाबला रहेगा। इस बार झारखंड की तर्ज पर आरजेडी का बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा से गठबंधन हो सकता है। ऐसे में सीट पर जेएमएम के कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमाएंगे। इसके बावजूद बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के कैंडिडेट यहां मजबूती से टक्कर दे सकते हैं। हालांकि यहां की जनता किस पार्टी के कैंडिडेट को राजतिलक लगाएगी, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।